दोस्तों, अगर आपके पास इस तरह का इमरजेंसी लाइट है, खराब हो गया है, तो इसको फेंकिएगा नहीं। जो आज हम तरीका बताएंगे ना, बहुत कम खर्चा में इसको रिपेयरिंग आप कीजिएगा और लाइफ टाइम चलाइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो को हम शुरू कर दें। तो इसमें ज़्यादा फॉल्ट नहीं आता है, इसमें मात्र थोड़ा सा माइनर प्रॉब्लम आता है। तो उसको फॉल्ट को कैसे ठीक करना है, जैसे इसमें अभी क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, इसको ऑन कर रहे हैं तो ये जल रहा है, लेकिन बहुत कम जल रहा है। इसको जब हम चार्ज में लगा रहे हैं तो चार्ज में लगाने पर ये फुल चार्ज ही इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो सिर्फ ये हरा कलर में ही जल रहा है। जो चार्ज यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, और चार्ज लिखा हुआ है, ये हरा बत्ती ही जल रहा है। इसमें कभी रेड बत्ती जलता ही नहीं है, यानी हरा बत्ती ये इंडिकेट कर रहा है कि ये बैटरी फुल चार्ज है। और बैकअप कितना देर दे रहा है, जैसे इसको 2 घंटा हम लगा रहे हैं फिर भी ये हरा जल रहा है, और सिर्फ 2 मिनट तक भी ये नहीं जलता है, बैटरी इसका डाउन हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा, इसमें 8 स्क्रू लगा हुआ है। ये 8ों स्क्रू को आप कोई भी स्क्रू ड्राइवर की माध्यम से बहुत आसानी से इसको खोल लीजिएगा। खोलने के बाद यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा लॉक, देखिएगा, जो इसको हम इस तरह टांग कर कहीं भी टांग देते हैं तो ये जलता रहता है। ये इमरजेंसी लाइट है, तो इसको ऊपर की तरफ इसको घीचिएगा और दूसरे वाला को नीचे की तरफ इस तरह घीचिएगा, देख सकते हैं, इस तरह घीचिएगा तो ये निकल जाएगा। इसका लॉक दिया हुआ रहता है, और पूरा स्क्रू को बारी बारी से सबको खोल देना है। खोलने के बाद यहाँ पे देखिएगा तो आपको एक दरार टाइप का नजर आएगा। इस तरह कोई भी पेचकस होगा आपके पास तो इसमें लगाकर थोड़ा सा आप इस तरह कीजिएगा ना, ऊपर की तरफ उठाइएगा तो ये बहुत आसानी से खुल जाती है। तो देख सकते हैं, इसको हम खोल दिए। इसमें क्या फॉल्ट होता है सब कुछ चेक करके हम आपको दिखाने वाले हैं। तो ये बैकअप नहीं दे रहा है, तो एक बच्चा भी ये जान लेगा कि बैकअप नहीं दे रहा है तो जरूर इसमें का बैटरी खराब हो गया है। लेकिन इसमें 2-2 बैटरी लगा हुआ है, देख सकते हैं, ये ब्लैक वाला 2-2 बैटरी लगा हुआ है। तो बैटरी को जब हम बाहर निकालेंगे तो देख सकते हैं, देखने में तो ऊपर से कंडीशन इसका बिल्कुल ठीक ही दिखाई देगा। इस बैटरी पर भी हम देखेंगे तो देखने में इसका कंडीशन बिल्कुल ठीक ही दिखाई देगा। दोनों बैटरी का कंडीशन बिल्कुल ठीक ही है, फिर भी ये बैकअप नहीं दे रहा है। तो ये बैटरी खराब हो गया है, इसका सेल बैठ गया है, जिसके चलते ये बैकअप नहीं दे रहा है। तो इसको सबसे पहले हम इसको खोलेंगे, खोलकर चेक करेंगे। जैसे इसको सोल्डिंग किया हुआ है तो दोनों सोल्डिंग को हम यहाँ से छोड़ा दिए। और बैटरी को चेक करने के लिए आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो भी हम बताएंगे कि आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, वो भी अपने घर पे। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो डीसी 20 वोल्ट के रेंज पे यहाँ पे रख लेना है, डीसी 20 वोल्ट की रेंज को, और मीटर को रख दीजिएगा। उसके बाद बैटरी को चेक कीजिएगा तो यहाँ कुछ चार्ज बताएगा, लेकिन ये बैकअप थोड़ा देर ही नहीं दे पा रहा है, डाउन हो जा रहा है, ऑटोमेटिक डाउन ये हो जा रहा है। दूसरा बैटरी का भी हम सोल्डिंग छोड़ाएंगे और इसको भी चेक कर लेंगे, यानी जब हम मल्टीमीटर से इसको चेक करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक ही दिखाई देगा, इसमें कोई खराबी नजर नहीं आएगा मल्टीमीटर पर, ताकि पूरी करंट मिल रहा है। इसको भी हम इस तरह चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा, ये भी करंट बिल्कुल सही दे रहा है। जब जैसे हम उल्टा तार यहाँ पे सटाए हुए तो ये माइनस में शो कर रहा था, अब यहाँ पे देखिए ठीक करंट दे रहा है, 3.72 यानी 4.25 वोल्ट के करीब ये करंट दे रहा है। यानी बैटरी जब हम मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं तो ठीक है, इसका बैकअप नहीं दे रहा है तो इसमें क्या और प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक बैटरी नया लेना होगा इसको चेक करने के लिए। अगर 2 बैटरी नया आप ले लेते हैं तो और बेटर रहेगा, ताकि जहां तक जानकारी है ये बैटरी का सेल खत्म हो गया तो बैकअप ये नहीं दे रहा है, फिर भी आपको लगता है कि ये बैटरी खराब नहीं है, मीटर में कंटिन्यूटी बता ही रहा है, तो बैटरी कैसे खराब हो सकता है, तो उसके लिए आपको लिथियम 18650 बैटरी ले लेना है, जो 2000 mAh का ये एक बैटरी है, देख सकते हैं 3.7 वोल्ट का बैटरी है, ऐसा बैटरी ले लीजिएगा। और इसमें आप इस तरह पहले सटा कर चेक कर लीजिएगा 1-2 मिनट जरा कर, जैसे ये प्लस का है, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, प्लस ये है और माइनस ये है, वो सटा लीजिए। उसके बाद इसको जलाकर कुछ देर देख लीजिएगा कि कहीं बैटरी खराब तो नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद यहाँ करीब हम 2 मिनट चलिए जला ही लेते हैं, तो पूरी
मालूम चल जाएगा कि 100% बैटरी ही खराब है। यहाँ पे देखिए करीब हम 15 से 20 सेकंड भी जलाए फिर भी थोड़ा सा भी डाउन प्रकाश ये नहीं हो रहा है। इससे हमको पता चलता है कि ये बैटरी जो है देखने में 4 वोल्ट पौने 4 वोल्ट के करीब बता ही रहा है फिर भी प्रकाश ये नहीं दे रहा है, थोड़ी देर में ही डिम हो जा रहा है। अब इस बैटरी को हम सोल्डिंग करेंगे तो मेरे पास दो पुराने ही बैटरी है, लाइट से निकाला हुआ बैटरी है, देख सकते हैं। इसको लगाएंगे और एक बार इसको फुल चार्ज करेंगे, उसके बाद जलाएंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि ये बैटरी जो पहले वाला था वो बिल्कुल खराब था, दूसरा बैटरी हम इसमें लगा देंगे। तो इसको लगाने के लिए आपके पास सोल्डिंग आयरन जरूर होना चाहिए। तो इस पे तो स्टील का दिया हुआ रहता है, इस तरह इस पे सोल्डिंग पकड़वाइएगा तो जल्दी नहीं पकड़ता है, लेकिन जो तरीका आज हम बताएंगे ना उस तरीका से इस पे सोल्डिंग कीजिएगा तो बहुत आसानी से इस पे सोल्डिंग पकड़ लेगा। तो इसको सोल्डिंग पकड़वाने के लिए इस सेल पे जो स्टील का पॉलिश दिया हुआ रहता है इसको थोड़ा सा इस तरह नकोटिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको नकेटिएगा तो इसमें से व्हाइट व्हाइट निकलेगा, देख सकते हैं व्हाइट व्हाइट निकल गया। इस पे थोड़ा सा आप पेस्ट लगा दीजिएगा जो सोल्डिंग पेस्ट होता है, और इस पे आप सोल्डर चढ़ाइएगा ना जो रंगा होता है, इस पे चढ़ाइएगा तो बहुत आसानी से पकड़ लेगा। देख सकते हैं कितनी आसानी से इस पे सोल्डर पकड़ लिया। उसके बाद बैक की तरफ उसी तरह सेम तरीका से इसको घिसटिएगा तो ये बहुत आसानी से उजला इसमें से निकलने लगेगा, और इस पे पेस्ट लगा दीजिएगा। उसके बाद सोल्डिंग को करीब 1-2 सेकेंड इस पे रखिएगा तो बहुत आसानी से ही पकड़ लेगा, देख सकते हैं। इस पे सोल्डिंग हम 1-2 सेकेंड रख दिए तो सोल्डिंग बहुत आसानी से पकड़ लिया। सेम तरीका से दोनों बैटरी पर आपको सोल्डिंग पकड़वा लेना है पहले। तो दोस्तों देखिएगा दोनों बैटरी पर हम सोल्डर पकड़वा दिए, उसके बाद सोल्डिंग आपको माइनस प्लस देकर अच्छी तरह इसमें सोल्डिंग कर देना है। तो तार में तो आपको रेड और ब्लैक आसानी से पहचान आ जाएगा, रेड जो है प्लस पर जोड़ेगा और ब्लैक है जो माइनस पर जोड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिएगा तो माइनस है, यानी पूरी तरफ जो इसमें बड़ा प्लेट है ये माइनस का है, इसमें छोटा प्लेट है ये प्लस का है। तो सेम तरीका से इस पे सोल्डिंग दोनों पर बारी बारी से कर दीजिए। तो दोस्तों इस पे हम दोनों पर सोल्डिंग पकड़वा दिए, उसके बाद एक बार इसको ऑन करके जरूर चेक कर लीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे सही से ये वर्क कर रहा है, इमरजेंसी लाइट है, बिल्कुल सही तरीका से काम कर रहा है। अब इस बैटरी को इस पे अच्छी तरह चिपका दीजिएगा, अगर आपके पास ग्लू गन है तो इस पे लगाकर आसानी से चिपका दीजिएगा, अगर ग्लू गन नहीं है तो आप डबल टेप का आसानी से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास डबल टेप है तो कोई दिक्कत नहीं है, डबल टेप को आप जितना बड़ा बैटरी है उतना बड़ा इसको तोड़ लीजिएगा या कैंची से काट लीजिएगा। उसके बाद डबल टेप यहाँ नीचे पर चिपका दीजिएगा, चिपकाने के बाद इसका ऊपर वाला पेपर को उधार दीजिएगा, उधारने के बाद इस पर बैटरी आसानी से साट दीजिएगा तो ये नहीं छोड़ेगा, देख सकते हैं ये अब नहीं छोड़ेगा। फिर दूसरा वाला को उसी तरह सेम तरीका से आपको यहाँ पे चिपका देना है। तो दोनों बैटरी को डबल टेप नीचे लगाकर अच्छी तरह इसको हम चिपका दिए, ताकि डबल टेप में इतना ज्यादा लासा होता है कि इसको कितना हो इस तरह हम झारेंगे पटकेंगे तो इसमें बैटरी निकलेगा ही नहीं। इस तरह देख सकते हैं हम पूरी तरह इसको ठक ठक आकर आपको दिखा दे रहे हैं, ये निकलने का नाम नहीं लेगा। इस तार को अच्छी से सेट कर लीजिएगा, अब इसका काम बिल्कुल ओके हो गया। अब इसको जलाएंगे तो इसका प्रकाश भी आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन प्रकाश है, पहले जिस तरह नया में लिया गया था उस तरह सेम प्रकाश ये दे रहा है। तो इस तरह अपने घर पे बहुत आसानी से अगर आपके पास मात्र एक सोल्डिंग आयरन होगा तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। अब इसको पहले जैसा जिस तरह बैठाया गया था सेम तरीका से इसको बैठा दीजिएगा और इसमें नट बोल्ट आप लगा लीजिएगा। उसके बाद चलिए इसको हम चार्ज करके देखते हैं जी ये चार्ज हो रहा है या फुल चार्ज पहले की तरह बता रहा है। तो इसको लगाएंगे यहाँ पे तो देखिए अब रेड में ये ग्लो कर रहा है, यानी दोस्तों इसमें बिल्कुल हम 100% कहते हैं कि बैटरी जो इसमें पहले वाला था ये ब्लैक वाला ये खराब हो गया था, भले कंटिन्यूटी बता रहा था आपके मल्टीमीटर में लेकिन ये खराब हो गया था। तो इस तरह का इमरजेंसी लाइट, अगर कोई भी इमरजेंसी लाइट इस प्रकार का अगर प्रॉब्लम आता है तो अपने घर पे बहुत आसानी से आप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो
तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको 100% रिप्लाई देंगे।